मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेज आर्सनल भाई साहब थ्री टू की विन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एंड जो लोगों ने ये मैच नहीं देखा भाई क्या कर रहे थे तुम लोग यार मुझे पता है मैच लेट था बट यू शुड हाव सीन दिस गेम अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं रिव्यू आप लोग के लिए है आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हाउ द हेल्थ मैनचेस्टर यूनाइटेड कुड मैनेज टू विन दैट गेम थ्री टू ए गेम जहाँ पे आर्सनल प्लेड डोमिनेंट फुट फुटबॉल एंड डोमिनट से ये मतलब नहीं कि द स्कोर्ड मोर गोल्स दे क्रिएटेड मोर चांसेस दे वो वेरी क्लिनिकल इन पोजिशन सेकेंड हाफ में आर्सनल में बहुत सही गेम खेला एंड इट लुक लाइक की आर आर्सनल आर

साल के बाद ही हैज ऑफिशियली लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड भाई Job पे था वो बंदा तीन मैचेस उसको मिले थे वेरी वेरी क्रुशल पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट था टर्निंग पॉइंट कह सकते मोटिवेशन फैक्टर इन दिसम बाकी अगर आर्सल की बात किया जाए वुड बी कमिंग ऑफ एज लू

बाकी ओटेगार्ड का खेलना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर खिलाओगे मच मोर अटैकिंग थ्रेट मिलेगा बट जब आपका गेम प्लान करता है अराउंड प्ले तो प्लेंग ओडे गार्ड इज वेरी गुड बिकॉज दट गार्ड ऑलवेज लुक्स फॉर दैट फॉरवर्ड पास बिकॉज अगर मार्टिनेली है अगर एमएसलट राइट एंड बार्ट गायज रन इन बिहाइंडली गॉडिंग टू अ वेरी गुड स्कोरिंग चांस है तो इनिशियल बिल्डअअ प्ले चला था आउट फ्रॉम द बैक बट यहाँ पर कैपिटलाइज नहीं कर पाई थी आर्सल उन्होंने किया वी कैन गो ऑन एंड टॉक अबाउट दोल वो गोल सही था कि नहीं था लेट मीट ट इज माई ओपिनियन आईव सीन प्लेयर इंजरी बहुत ही और वो पे पे के है, कि यार कि उसको बिकॉज प्लेयर डाउन है so प्ले

पिच ऑन द राइट एंड साइड विथ प्रोवाइड करे मेक दोज रन इन बिहाइंड बल्कि वो कभी कभी यहां पर सेम पोजिशन में सैचो के साथ आ जा रहा था यू सो प्लेटी ऑफ रन यहां पर सैचो बॉल लेकर भाग रहा है राशवर्ड बॉल लेकर भाग रहे हैं एंड दोनों बगल बगल में खड़े दे पासिंग दोनों के बीच पासिंग पॉसिबल नहीं है एंड क्रिस्टियनो अपटॉप वहां पर तो रही रहा है भाई तो ये दो एक तो चीजें थी जो मुझे सही नहीं लगी एक दो तो चीजें और रही थी कि मिडिल ऑफ द पार में ब्रोनो वॉज ऑपरेटिंग फ्रेड वॉज हेविंग गुड गेम इन देंड हफ बाई फ्रेड वॉज बॉलिंग प्रोबली माई मैन ऑफ द मैच वुड गो टू फ्रेड एंड यहाँ पर डॉक्ट सीन क्या हो रहा था एलिस टेलेस ऊपर चढ़ जा रहा था यूनाइट का जो बैक और जो मिड के बीच में जो गैप बन रहा था वाज वेरी ह्यूज एंड पोजीशन इन डेंजरस एरियाज जब बैक बाय उन्होंने दो तीन चांसेस बनाए जहां लिटरली काउंटर अटैक किया है राइट फ्रॉम फ्रॉम द बैक तो उन्होंने बॉल बनाई तो मियान वाइट वो वेरी क्लिनिकल इन क्लियरिंग ऑफ बॉल्स पार्टे यहां पे मेन था ओडिगार ओडिगार्ड यूज टू ड्रॉप इन टेक कंट्रोल ऑफ द बॉल एंड मेक दोज फॉरवर्ड रन नूनो टावेज वॉज ऑल्सो वेरी थ्रेटिंग जब वो वाज़ मेकिंग दो रन बट सीन ये हुआ क्योंकि नूनो टावरेज ने अपनी पोजिशन यहां पे छोड़ दी थी राइट एंड फ्लैंक पर राष्ट्र जाता है ही मेक्स अ कट बैक टू क्रिस्टानो एंड क्रिस्टानो ने एक

इट मिट्स एंड प्रोबेबली इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड एंड सेम वॉज फॉर मिस वहाँ पे पर पी एस जी पट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम टू प्रेस वट हैव टू डू इज जो कि बात मैंने लाइफ स्ट्रीम पर बोली मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर, करता हूँ यहाँ पे वट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम रोनाल्डो टू डू इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग जैसे कि लाइक सपोज की बेनवाइट के पास बॉल है यहाँ पे गैप्रिल मार्गल हाइस यहां पर था वट आई वॉन्ट क्रिस्टान्डो डू इज ट टू गो ऑन एंड रन फॉर बेन वाइड उसको चेस कनिक्स होती है इफ इज फार अवे जस्ट गो ऑन एंड प्लेस हिमसेल्फ इन देंटर ऑफ दिस लाइन ये जो पासिंग लेन है उसको ब्लॉक करे दैट द बेस्ट ही कैन डू इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग डजन नीड टू रन लाइक अ डॉग भाई भागना क्या भागना इज नॉट इक्वल टू प्रेसिंग भाई पहली बार प्रेसिंग इज द पोजिशनिंग ऑफ योर प्लेयर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम ऑक्युपाइंग दट पासिंग लेन भाई एंड देन जब आप वो पासिंग लेन ब्लॉक कर लेते होते 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 हो ना यू हैव ऑलरेडी प्रेस दैट प्लेयर उसके पास चांस ही नहीं कि वो बंद पास कर पाएगा तो हैज लुक हीज तो यहां पर यही

ठीक है आपकी टीम में एक सेफ प्लेयर चाहिए यू नीड समवन जो कि आपको रिसाइकिल करके दे बॉल बट डिबी कैन ऑसो डू दैट अब बस ये बात ये है कि आप डबल पेविट में खिलाओगे कि एक सिंगल पेविट में उसको खिलाओगे बी इट वट एवर इट में आई डोंट केयर डॉनी हैज टू प्ले बाई राफ राडनिक हैज टू मेक सम चेंजेस वहां पर ही हैज टू मेक श्योर डॉन वैंडी प्लेस बाकी एक दो पॉइंट यहाँ पर राशवर्ड के आईडेंट लाइक हिस गेम वैसे तो हि वॉज काइंड ऑफ बींग लॉस्ड ऑन दैट राइट एंड साइड इस वैसे वो बार बार लेफ्ट एंड साइड आ जा रहा था ताकि उसको बॉल मेले बट दट एस एस गेम फ्रॉम द राइट एंड साइड तो प्रोबेबली यहाँ पे आप सोच रहे होगा कि वाई शिफ्ट हुआ सैचो इधर और राशव उधर तो मे बी यहाँ पे कैरिक की टैक्टिक्स थी लेट सी कि राफ राटनिक क्या करता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा आर्सल के बारे में एंड थैंक्स टू अभिनय फॉर सेंडिंग मी द नोट्स वट दैट ही इज़ एन आर्सल फैन बीन फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम सो उसके अकॉर्डिंग वॉट आर्सल डज इज मिली पूरे डिफेंस को फॉर्ड ला था यस एब्सोल्युटली मॉन्टेली वाज वेरी वेरी क्रशल इन दिस गेम तो मियासू बहुत फार है बिकॉज डिफेंसिवली ही इज वेरी गुड एंड आज उसने क्रॉसेस भी काफी सारे अटेम्प्ट किए मागेज इज अ वॉल यस ही वाज विनिंग दो हेडर्स विनिंग टैकल्स आपने एक दो इंटरसेप्शन देखे के, के जो जहां पर बहुत, बहुत बहुत क्रुशल इंटरसेप्शन थे टॉरिस क्या करता है टावर अटैक में काफी सही है बट कभी ना कभी डजन ट्रैक बैक एंड वो जो गैप छोड़ छोड़ते हैं उसकी वजह से दे बिकम डिफेंसिवली वेलरेबल बाकी बेन बेनवाइट नीड्स टू इंप्रूव एंड आज के मैच में उसने फ्रेड को कवर नहीं किया बट आई डोंट थिंक सो की बेनवाइट

स्टार्ट अकॉर्डिंग टू है तो भाई आसल फैंस आपको क्या लगता है कि ओडेगार्ड शुड स्टार्ट एहेड ऑफ स्ट्राइकर खिलाओ बिकॉज दैट पार्टनरशिप ऑज वर्किंग वेरी नाइसली फॉर यू नाइस एंड टर्नी को रोटेट करना होगा बिकॉज टर्नी इज अ बेटर डिफेंडर इज राइट नाउ एंड बेन को इंप्रूव करना होगा बाकी इज मार्टेलीज स्पेशल टैलेंट ही नीड्स टू स्टार्ट मुझे लगता है मार्टेली एंड साका के बीच में रहेगा हु वुड बी गेटिंग द स्टार्टिंग हो सकता है आप मार्टेली को एज अ स्ट्राइकर के तरीके से देख सकते हो बिकॉज ही हैज शोन द क्वालिटी भाई ही इज वेरी क्विक ही हैज गॉट अ गुड फिनिश इन हिम तो हो सकता है कि आप उसको अटैक पे आगे देख पाओ तो वट एवर इट इज लेट मी नो इन द कॉमेंट डॉन बिलो बिकॉज ब फॉर दिस वीडियो मेरा अनालिस यहा था आप मुझे लगता है लेट्स हेयर एवरीथिंग इन दिमेंट ऑन बिलो अभी के लिए बट दट सॉल्व फॉर यूज वेरी सुन अंडिलेजी सब